नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार लोग हमारे साथ जुड़े हैं और डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में आखिर क्या मानना है लोगों का, जानते हैं सीधी लोगों से बात। आखिर क्यों आज भी करोड़ों लोग गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को अपना भगवान मानते हैं, आखिर क्या कारण है कि महिलाएं आज भी यहाँ पर अपने आप को सेफ फील करती हैं, जानते हैं यहाँ के जुड़े हुए लोगों से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम सर? प्रकाश इंसा। सर डेरे से जुड़े हो? करीब 32 साल हो गए। सर इतना लंबा समय आपको डेरे से जुड़े हुए हो गया, कैसा माहौल देखा आपने गुरु जी? माहौल ऐसे देखा है कि इतना मतलब जहाँ भी जाते हैं ना लोग पैसे का मांगते हैं, पैसे हो तो उसकी इज्जत होती है, पैसे नहीं देते तो यहाँ जितनी इज्जत होती है ना घर में भी नहीं होती जी। बहुत मतलब मालिक की दया मेरा है, मेरे को 15 साल हो गए सेवा करते हुए, मेरे को ना कोई कमी है। मैं जब आया था ना तो यहाँ रिक्शा चलाया करता था 2-3 महीने जी। और इतनी मालिक की दया मेरी हुई है कि अब 2 मकान हैं, 2 लड़के हैं, दोनों के अलग अलग मकान हैं, कपड़े की दुकानें हैं और 3 शादियां की हैं और मेहनत करके कमाया है। और उसके बाद 15 साल हो गए यहाँ, 15 साल से सेवा कर रहा हूँ और फिर भी कोई कमी नहीं है मेरे को। आज तक इतने दिन हो गए ना, मेरे को सतगुरु के डर से करता हूँ, मेरे को बुखार भी नहीं हुआ कभी। बहुत बड़ी बात है सर। आप कहते हो यहाँ पर पैसा दान चढ़ावा नहीं लिया जाता सर। हाँ। ना केवल दान चढ़ावा को लेके जनता जानना चाहती है बल्कि सवाल तो बहुत सारे हैं कि मीडिया में जो जो भी दिखाया गया डेरा के खिलाफ, हाँ जी, आखिर कितनी सच्चाई है उसमें? हम 1% जो सब झूठ ही झूठ है। तो जब डेरे के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई कोना नहीं है जहाँ पे मैंने ना गया हूँ मैं, कोई ऐसे कोई बुराई वाले काम करते लोग करने वाले करते हैं और नाम डेरे का लग जाता है। जैसे कहते हैं बेटा गलती करता है तो बाप का नाम लग जाता है, और कुछ नहीं है, बिल्कुल 100% एक बिल्कुल 1% भी मतलब गलत बात नहीं सर, है। गुरु जी पे आरोप लगाए गए हैं, क्या कहना चाहोगे आप? यही जो वो बोलते हैं ना छुड़ाने के लिए, नशा छोड़ दो, बुराइयां छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो, तो वो ही उनको ब्लेम लगाए हैं। तो ये जो बुराई वाले हैं या जो नशे वाले हैं, नशे करते हैं तो वो ये सोचते हैं भाई हमारे ये सारी दुकानदारी बंद हो रही हैं, ठेके वाले होते हैं या जो राजनीति वाले, वो ये सोचते हैं एक पासे हो जाएंगे तो ये जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे। तो इनको हर वक्त यही सोचते हैं कि बस हमारी राजनीति रहे, और ये डरते हैं कभी ये राजनीति में ना जाए और प्रधानमंत्री न बन जाए, बाकी ऐसी 1% भी कोई बात नहीं है। सर आप कहते हो कि गुरुजी के लिए मतलब इतना आपने सेफ माहौल देखा आपने, सर महिलाएं यहाँ पर आपने बोला बिल्कुल सुरक्षित हैं, वैश्यावृत्ति देश में बढ़ती जा रही है सर, हाँ जी, गुरुजी ने इसके लिए कुछ किया? इसके लिए जो वैश्यों की शादी करा के अपनी बेटी बना के उन्होंने शादी करवाई अपनी बेटी बना के, और जो जवान है पढ़े लिखे जवान उनके साथ शादी उन्होंने ऐसी मतलब कोई मालिक की दया मेरे वो खुश हो गई, उन्होंने शादी करवाई है, कोई ये किसी की जोर जबरदस्ती नहीं किया किसी की भी। सर संत जी पे इतने आरोप क्यों लगाए गए आखिर? वो इसीलिए कहते हैं जो बुराई से जुड़े हुए हैं भाई हमारी दुकानदारी ना खत्म हो जाए जी। संत जी मतलब वो बुराइयों से हटाते? हाँ, बुराई वो हटाते थे और वो उन्होंने ऐसे ही ब्लेम लगा के सारी पार्टियों ने जुड़ के तो डेरे को बदनाम करने की कोशिश की है, बाकी ये ना तो खत्म हुआ है डेरा ना ही खत्म होगा, एक दिन सबके सामने ये चर्णन हो जाएगा दुनिया में भी ये संत से। ऐसे तो बुराई वालों ने हर संत के साथ ही ऐसे किया है जी जी। लेकिन जब समय आएगा तो इनकी खोपड़ी अपने आप ही दिमाग ठीक हो जाएगा और माफियां मांगेंगे सब लोग। सर आपने ये ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स की ड्रेस पहनी हुई है, आखिर किस तरीके की फोर्स है ये? मीडिया चैनलों पे आपने देखा था किस तरीके से इस फोर्स को दिखाया गया? मेरी 72 साल की उम्र है जी और मैंने कम से कम ज्यादा नहीं तो 27-28 साल वर्दी पहनी है जी जी। ना मैं कभी ये डरता हूँ मेरे को बाजार में कोई क्या कहेगा कोई नहीं कहेगा, मैं रोज पहनता हूँ। क्या कारण है ये वर्दी पहनने का? पहनने का कारण ये है ये लोगों को ये पता लगे भाई ये
डेरे से जुड़े हुए हैं और सेवादार हैं। मतलब आप लोगों की मानवता भलाई की सेवा। हम मानवता भलाई के लिए कहीं आग लगती है, कहीं कोई कुछ भी होता है, कोई नुकसान किसी का, ये कोई गरीब आदमी उनको महीने का राशन वगैरह भी देते हैं, सारी चीज करते हैं, मतलब भलाई के काम करते हैं। बहुत बड़ी बात है सर। किसी तरीके की सरकार से आपको तनख्वाह वगैरह दी जाती है? ना ना, तनख्वाह तो मेरे को जो पेंशन मिलती है, मैं तो उनसे भी बहुत खुश हूँ। चलो पेंशन मिलती है हमारे को बुढ़ापे में, बाकी यहाँ से तो मिलता है, लेकिन लोगों को क्या पता क्या मिलता है। जो आजकल के जो मैं 70 साल का है ना, मेरे को 60 साल के भी छोटी लेके फिर रहे हैं जी जी। और मैं 72 साल का हूँ, बगैर पैड़ी को पकड़े ना जी जी। कोई चीज उठा के ना ऐसे चलता हूँ जैसे भाई शरीर बिल्कुल हर टाइम चुस्त रहता है। सर ये गुरु जी के कारण? हाँ, गुरु जी ये सब उनकी उनकी दया मेरे से ही हो रहा है। सर समाज को गुरु जी की जरूरत है लगता है? वैसे देखा जाए तो बहुत जरूरत है जी जी। लेकिन जब तक ये बुराई वाले का बुरे पाप का घड़ा नहीं भरेगा जी जी। तो वो ये बात समझेंगे नहीं, और जिस दिन भरेगा तो ऐसे फूटेगा, इनकी सिर्फ दर्द दर्द रह जाएगा, इनको दुखी दुख आएंगे भाई हमने क्या किया है जिंदगी। सरकार से क्या अपील करोगे सर? सरकार तो ये कहता हूँ भाई, अभी तो समय है भाई, बहुत तुम्हारे को मतलब जो हो गया तुम्हारे से ना एक दिन गलती माननी पड़ेगी, लंबे जाकर लंबे गिर के माफी मांगनी पड़ेगी, और वैसे पहले मांग लो तो उसकी बहुत बढ़िया बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आपने देखा, एक ग्रीनस वेलफेयर फोर्स के मेंबर जिनकी उम्र 72 साल है, आज भी ये इस ड्रेस को पहने घूमते हैं। जब इनसे पूछा गया कि आखिर क्या कारण है इस ड्रेस का पहनने का, तो इन्होंने कहा कि हम इस ड्रेस को पहनते हैं ताकि लोगों को एक संदेश मिले कि हाँ कोई है मसीहा जो हमारी हेल्प करने के लिए आज भी तैयार है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क कार्य करने के लिए तैयार है। इनको किसी तरीके की पेंशन नहीं दी जाती, किसी तरीके का कोई रुपये नहीं दिया जाता। इतनी बड़ी प्रेरणा देना, एक संत ने इतनी बड़ी प्रेरणा दी है, आखिर हमारे समाज को क्या संत जी की जरूरत नहीं है? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।